बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का, और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अच्छा, इसमें पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स को डिस्कस किया, मैट्रिसेस की टाइप्स को। एक और टाइप हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ चलो इसे कह देते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस मतलब कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब जाकर उनको हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स है 1 3 2 5 4 1, ये एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक और मैट्रिक्स है बी, ये भी है 1 3 2 5 4 1, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 3। ठीक है, इनमें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखें तो वो सेम है, 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, और दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज भी आप देखें तो वो सेम है, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, हम अब कह सकते हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल मैट्रिसेस हैं, और जो एंट्रीज हैं वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर एंट्री 1 है तो इसकी भी फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, और सेकंड एंट्री 3 है तो इसकी भी सेकंड ये 3 होनी चाहिए, और इस तरह से बाकी सब भी बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो तब जाकर ये इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अच्छा, अब हम ऑपरेशंस पे आते हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करता हूँ। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, किस तरह से किया जाता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? तो कोई से दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक है 1 2 3 4, ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। एक और मैट्रिक्स है बी, वो हो जाएगा 1 2 5 9 11 9। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर इनको मैंने ऐड करना हो, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। चलें इनको ऐड करते हैं। ऐड किस तरह किया जाता है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है आपस में। ठीक है, मतलब कि इसकी फर्स्ट 1 1 जो है A11 को A11 में ऐड किया जाएगा, A12 को A12 में ऐड किया जाएगा। ठीक है, इनको अगर ऐड मैं करूं तो किस तरह मैं करूंगा, क्या ये ऐड हो सकते हैं? पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? ये इसका जो है ये एंट्री कौन सी है, पहली रो और थर्ड कॉलम, क्या इसमें थर्ड कॉलम मौजूद है? नहीं मौजूद, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ऐड कौन से हो सकते हैं? कन्फर्मेबल टू ऐड क्या हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस कौन से ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, मतलब कि टू क्रॉस टू जो है वो 2 क्रॉस 2 में ही ऐड हो सकता है, 2 क्रॉस 3 में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 3 को ऐड करना है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स हम एक और लेते हैं 2 क्रॉस 2 का ही, 4 1 3 2, ये एक और मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ये दोनों पहले हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, क्या ये दोनों कंफर्म करेंगे कि क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं। हम दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, तो ए का ये ऑर्डर है, ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। सही है, तो अब इनको हम ऐड करके देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो
उसके ऐड होगी, ठीक है। तो मतलब कि ये A11 में ऐड होगी, मतलब 1 जो है 4 में ऐड होगा, 1 प्लस 4, और सेकंड जो एंट्री है मतलब A12 जो है वो A12 में ऐड होगी, मतलब कि 2 जो है वो 1 में ऐड होगा, 2 प्लस 1, इसी तरह से 3 प्लस 3 और 4 प्लस 2। ये हमने A+B का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 4 इज़ 5, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6 एंड 4 प्लस 2 इज़ 6। ये एडिशन के बाद रिजल्ट आया, मतलब कि A+B जो है एक मैट्रिक्स है जो के इक्वल आया है 5, 3, 6, 6 के, ठीक है। ये होगी एडिशन। एडिशन के लिए सबसे पहले हमने कंफर्म क्या करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बाद फिर हम कंफर्म करने के बाद उनको ऐड करेंगे और ऐड किस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा ट्रांसपोज से पहले सब्ट्रैक्शन भी जो है वो इसी तरह से होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं तो वो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होगी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्सेस आपस में ऐड हो सकते, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। सेम रूल्स हैं, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी, तो उसके बाद वो कन्फर्म हो जाएगा कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिस तरह से ए और बी जो है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है और ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब कि ए माइनस बी अगर परफॉर्म करें तो ए की एंट्री पहले लिखेंगे बी की बाद में, ये नहीं कि ए माइनस बी में पहले बी की एंट्री लिख दी और ए की बाद में, ठीक है। जिस तरह से ए प्लस बी में हम पहले किसी की भी एंट्री लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ए माइनस बी परफॉर्म कर रहा हूँ, ए माइनस बी, तो किस तरह से होगा, 1 माइनस 4, 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2, ठीक है। पहले ए की एंट्रीज 1, 2, 3, 4 और फिर बाद में जो है माइनस के बाद बी की एंट्रीज आएंगी जो कि 4, 1, 3, 3 हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3, 1, 0, 2, ये है रिजल्ट ए माइनस बी का। और अगर आप बी माइनस ए को चेक करें, बी माइनस ए किस तरह करेंगे, पहले बी की एंट्रीज आएंगी 4, 1, 3, 2 और सब्ट्रैक्शन के बाद माइनस के साइन के बाद ए की एंट्रीज आएंगी 1, 3, 2, 4। तो इसका रिजल्ट हम चेक करते हैं क्या आता है, 4 माइनस 1 इज़ 3, 1 माइनस 2 इज़ -1, 3 माइनस 3 इज़ 0, 2 माइनस 4 इज़ -2। तो ये देखें आप, ए माइनस बी इक्वल इसके है, बी माइनस ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। और या फिर हम अगर कहना चाहें कि ये इनका रिलेशन क्या बनता है, तो ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के नेगेटिव के, या बी माइनस ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो ए माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे मैट्रिक्स को तो वो ए माइनस बी के इक्वल हो सकता है। अच्छा, अब ट्रांसपोज पे आते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। हम एग्जांपल करके देखते हैं कि लेट्स सपोज ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, जो के 3x4 जिसका ऑर्डर है, ठीक है, 3x4, इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3x4 उसका ऑर्डर, और बी आई जे मतलब कि आई जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जे जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, B11, B12, B13, B14,
B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34, और इस तरह से फोर्थ रो आएगी B41, B42, B43 और B44। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आया, ठीक है, जो कि 3x4 का होगा, बल्कि ये मैंने 4x4 का बना दिया है, तो फोर्थ रो डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 3x4 का यहाँ तक, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x4 है, ठीक है, और उसकी एंट्रीज ये हैं। तो इसका अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने जिस तरह पहले कहा कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना, मतलब कि ये अगर रो वन है उसको मैं कॉलम वन बना दूँ, ये क्या है रो वन, इसको मैं कॉलम वन बना देता हूँ, तो क्या बनेगा B11, B12, B13, B14, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये रो टू है, इसको मैं कॉलम टू बनाऊंगा, ठीक है, रो वन को रो कॉलम वन और रो टू को कॉलम टू। कॉलम टू क्या बनेगा फिर B21, B22, B23 और B24। इसी तरह से रो थ्री जो है इसको कॉलम थ्री बनाया जाएगा, तो बनेगा B31, B32, B33, B34। तो ये हमारे पास आ चुका है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज टी उसके ऊपर लिख देंगे, तो वो शो करेगा कि ये ट्रांसपोज है बी मैट्रिक्स का, ठीक है, जो कि इक्वल इसके आया है, हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो या फिर कॉलम्स को हमने रोज में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप कॉलम्स वाइज देखें तो ये कॉलम वन था, ठीक है, तो ये रो वन बन चुका है, ये रो वन जो है वो कॉलम वन के इक्वल है। तो इसमें जो है ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, ये रो फोर है, ठीक है, तो ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो कॉलम वन जो है वो रो वन बन चुका है, ठीक है, कॉलम टू जो है वो रो टू बन चुकी है, और कॉलम थ्री जो है वो रो थ्री बन चुका है, और कॉलम फोर जो था वो कॉलम रो फोर बन चुका है। या फिर रोज में अगर बात की जाए तो जो रो वन थी ओरिजिनल वेक्टर की, ठीक है, बी मैट्रिक्स की, वो कॉलम वन बन चुका है, रो टू जो है वो कॉलम टू बन चुका है, रो थ्री जो है वो कॉलम थ्री बन चुका है, रो फोर जो है वो कॉलम फोर बन चुका है, ठीक है, ये आफ्टर ट्रांसपोज, आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम से जाहिर है कि कोई एक मैट्रिक्स होगा उसको हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि लेट्स सपोज के एक कांस्टेंट है तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनेगा के 2k, 3k, 4k, 5k, 6k, 7k, 8k, 9k, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया के साथ, के ए जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए जो है वो मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है, के जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वन, के जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3 या कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अब 2 ले लेता हूँ के की वैल्यू को, इफ़ के इज़ इक्वल टू 2, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ए जो है मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू ए मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन, ये हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट के साथ ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एंड एटीन, नाइन टू ज़ा एटीन, ठीक है। टू को मैंने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स की। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स जो है, पहले तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, उन दोनों के दरमियान हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हमने फाइंड करना है ए और बी का। तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने से पहले हम ये देखेंगे क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं या नहीं, तो वो किस पे बेस कर रहा होगा, किस तरह से हम चेक करेंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब कि ए जो है वो इस केस में फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी जो है सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तब जाके कंफर्म होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री का, तो इसका ऑर्डर है टू क्रॉस, इसका ऑर्डर टू क्रॉस थ्री का, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ रोज चेक कॉलम्स चेक करें थ्री हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं थ्री हैं, इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें तो टू है, तो थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू, मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, इन दोनों को आपस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के सेकेंड मैट्रिक्स के, तो मतलब कि अगर ये टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है तो टू क्रॉस टू का चलो मैट्रिक्स है, तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं टू और इसके नंबर ऑफ रोज के हैं टू, अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बाकी जो है इसके नंबर ऑफ रोज या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ हमने चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि उससे हमें समझ लगेगी कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है, तो एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, टू माइनस वन ज़ीरो, वन टू माइनस थ्री, वन टू माइनस टू, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स उसे कह देते हैं, और एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज टू माइनस टू थ्री, माइनस वन माइनस फोर सिक्स, ज़ीरो माइनस फाइव और फाइव। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसको हम पहले देखते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं तो थ्री क्रॉस थ्री, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसकी भी तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री, तो हम चेक करेंगे कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो थ्री हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, वो थ्री हैं, ठीक है, थ्री इज़ इक्वल टू थ्री, मतलब कि ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। देखें,
इसके फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट रो, उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है? मतलब कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है? और ये 0 जो है इसके साथ, तो ये एक एंट्री बनेगी, ठीक है? फर्स्ट एंट्री। तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, सही है? और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब कि फर्स्ट जो है इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड जो है इस पे जो सेकंड आ रहा है कॉलम में, और थर्ड जो इसकी रो में थर्ड आ रहा है इसके कॉलम में जो थर्ड आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 क्रॉस 2, ठीक है? ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर सेकेंड एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 जो है -1 के साथ, और इसी तरह से उसके बाद प्लस, और थर्ड एंट्रीज आपस में 0 क्रॉस 0। तो ये एक एंट्री बनी, ठीक है? उसी तरह से अब हम बाकियों को भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है? ये था फर्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इसकी जो सेकेंड रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है? मतलब कि इनकी रोज़ को हम उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है? तो किस तरह से करेंगे कि ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसकी पहली एंट्री के साथ, ठीक है? इस कॉलम की पहली एंट्री के साथ, और इस रो की सेकेंड एंट्री जो है 2, उसके कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब के -4 के साथ। इसी तरह से ये जो इस रो की थर्ड एंट्री जो है वो इस कॉलम की थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब के -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, ठीक है? तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये बनेगा सेकेंड एंट्री बनेगी, ठीक है? सेकेंड एंट्री, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसके बाद स्पेस आएगी, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस इसके बाद आ रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -4, फिर प्लस, और -3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, ठीक है? ये सेकेंड एंट्री बन गई। इसी तरह से आप थर्ड रो के ऊपर आते हैं, थर्ड रो में ये थर्ड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है? सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ, तो इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कि फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकेंड एंट्री के साथ, और थर्ड एंट्री के साथ। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गई थर्ड एंट्री, ठीक है? जो प्रोडक्ट हम हमारे पास आ रहा है उसकी थर्ड एंट्री ये बन चुकी है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि देखें ये जो मैंने सेकेंड एंट्री लिखी है ये कॉलम में आएगी, ठीक है? मतलब कि इसकी जगह यहाँ पर बनती है फर्स्ट कॉलम में, तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, -5, ठीक है? इसी तरह से ये जो थर्ड एंट्री है रो में ये आती है इस पे कॉलम में थर्ड पे, ठीक है? तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लिकेशन को दोबारा से परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? वो एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है? तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है? और फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड एंट्री बनेगी, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है? तो ये थर्ड एंट्री बनेगी। तो मैं लिखता जाता हूँ कि फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं लिखता भी जाता हूँ, यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ कि हमने ये परफॉर्म क्या किया है, रो 1 मल्टीप्लाई किया हमने कॉलम 1 के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि हमने करना यह है कि फर्स्ट रो जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि रो 1 मल्टीप्लाई बाय सी 2। ठीक है, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। ठीक है, ये बन गई सेकेंड एंट्री। इसी तरह से थर्ड एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये आ जाता है थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये थर्ड एंट्री बन गई इसकी। ठीक है, कॉलम की। अच्छा, उसके बाद है कि हम अब सेकंड रो पे आएंगे। पहले हमने फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम जो है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से सब कॉलम्स के साथ। ठीक है, मतलब कि ये जो अब आएगी हमारे पास, ये सेकंड रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ तो फर्स्ट एंट्री बनेगी, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंट्री, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंट्री। ठीक है, तो वो मैं परफॉर्म करता हूँ अब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि यही सेकंड रो होगी। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ हम करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, मतलब कि ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। ठीक है, इस तरह से थर्ड कॉलम क्या बनेगा, तो यहाँ पे सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड कॉलम के साथ, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इसकी थर्ड रो क्या बनेगी, देखें यहाँ पर हमने क्या किया, रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को रो 2 से और रो 1 को कॉलम 3 से। यहाँ पर क्या किया, रो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से, रो 2 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 से, रो 2 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 से, और यहाँ पर क्या आएगा, रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से, रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से और रो 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे दोबारा से। ठीक है, और ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं।